ये आपका बड़े बड़े शहरों में है, गुड़गांव है, गोवा है, जम्मू में किस वजह से, क्या कारण लगा आपको कि जम्मू में भी इस तरह का एक खोला जाए पा रहा है? आपको अच्छा नहीं लगता कि आप क्लब में आओ? अच्छा लगता, मैं यही इसलिए पूछा कि हाँ, तो गुड़गांव से इनकी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं ही था तब स्टार्ट, तो पहला स्टार्ट भी इतनी बड़ी से था, और आज दिल्ली का भी पहला स्टार्ट भी मैंने किया, और गोवा भी, और अब ये यहाँ पे। तो यार आप लोगों को भी तो थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए ना यहाँ पे सबको, तो ये इनकी बहुत बहुत कामयाबी है, इनके पीछे ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और पूरे मतलब इंडिया में पेपर्स का नाम मतलब लेके जा रहे हैं, तो आपको भी ऑनर फील करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब पेपर्स गुड़गांव स्टार्ट हुआ तो मैंने दीप मलिक के साथ ही स्टार्ट किया था, वो मेरा पहले आज के दिन 2013 में दीप का शो हमारे यहाँ पर पेपर्स में था, पहला लॉन्च ही पेपर्स का दीप ने शुरू किया था। और रही बात ये जम्मू वाली, तो जम्मू के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे आप लोगों के मीडिया से जो ऑनर्स हैं वो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कंपेल किया कि आप आएँ जम्मू, कुछ ऐसा करें, क्योंकि जम्मू में अभी तक भी वो नाइट फील जो है ना, जो नाइट लाइफ है, वो जम्मू नहीं देख पा रहा था। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि जो हम देंगे वो आज तक किसी ने नहीं दिया और आगे भी कोई नहीं दे पाएगा। तो क्या डिफरेंट रहेगा बाकी क्लब से? देखिए, डिफरेंट की बात ये कि खाना या एक किसी को बिठा के म्यूजिक सुनाना एक आम बात है। हमारे यहाँ पर आपको हर हफ्ते एवरी फ्राइडे हम आपको देंगे नए कलाकार जो आपके जम्मू में कभी भी नहीं आए हुए, पूरे हिंदुस्तान के माने हुए सिंगर्स, एक्टर्स, सभी कुछ, मूवी प्रमोशन से लेकर ड्रामा, ये कॉमेडी शोज एंड एवरीथिंग यू विल सी, जो कि कभी नहीं। एंटरटेनमेंट देने की बात कर रहे हैं? जी जी जी, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट सर, सामने देखिए। थैंक यू। और कुछ सर, जिस तरह से यूटी बना है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आप जम्मू की राजधानी, ये भी इत्तेफाक की बात है कि मेरे जन्मदिन 5 अगस्त वाले दिन ये यूटी बना, और उसके बाद ही मैंने ट्रेन आई वंदे भारत, और उसके बाद ये पेपर्स आया। तो ये एक इतफाक है कि ये सब रस्ते जो खुले हैं ये आप लोगों की दुआओं से खुले हैं। पेपर्स के बाद इतनी दुआएं थी कि जम्मू का आना इसीलिए बन पाया। सर क्या मैसेज रहेगा जम्मू वालों? मैसेज ये रहेगा, जो भी तमीज से पार्टी करना चाहे और असली नाइट लाइफ देखना चाहे वो पेपर्स में उसका वेलकम है, अदरवाइज। और एक बात और खास बात है कि मेरे यहाँ पर कोई बाउंसर्स नहीं है, मेरे यहाँ पर स्त्रियां जो है यानी कि लेडीज जो है पुरुषों को सुरक्षा दे रही है, मेरी जो सिक्योरिटी टीम है वो सिर्फ लेडीज की है। तो इसलिए आजकल नारी शक्ति का आपको पता है, तो नारी शक्ति से जो डरता होगा वो मुझे हर बात माननी पड़ेगी। सर जिस तरह से यूथ दिल्ली वगैरह पब में जाता है, जम्मू में क्या खास रहेगा? जम्मू में ये फैमिली पब रहेगा, इसकी पहली खास बात होगी कि इसके अंदर फैमिली माहौल रहेगा, आप अपनी वाइफ के साथ आए, अपनी बहनों के साथ आए या किसी के साथ भी, आपको फैमिली वाली फील मिलेगी। देयर इज नो बाउंसर्स आल्सो, मैं कोई बाउंसर लेस क्लब चला रहा हूँ जम्मू में, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है वो सारी लेडीज हैं, वो सबकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगी और आपको फुल एंटरटेनमेंट होगा यहाँ। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.